गाइस, कल का दिन बहुत खास रहा था क्योंकि सुबह से लेकर के देर रात होने तक में ना सीबीसी की तरफ से काफी सारे चेंजेस, काफी सारे अपडेट्स निकल करके सामने आए थे, जो मैंने आपके साथ शेयर भी किया था विद फुल ऑथेंटिसिटी और सबसे फास्टेस्ट वे में। तो गाइस, कल का सिनेरियो क्या था कि कल हमने सुबह सुबह देखा था कि सिचुएशन जो है वो लगातार बदल रहा है। पहला तो सीबीसी ने कहा कि भाई 50-50 पे भी जा सकते हैं और 30-70 पे भी जा सकते हैं, बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स पे बहस जारी है, ठीक है। और दूसरा, कल देर रात होते होते तक मैंने आपको अपडेट दिया था कि भाई एक बहुत बड़ा चीज निकल करके आया कि यहां पे सीबीसी जो है वो रिजल्ट का डेट को उन्होंने पूरा चेंज कर दिया। जो सीबीसी के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उनके तरफ से ये अपडेट निकल करके आया। उन्होंने लीडिंग न्यूज चैनल से बात करते हुए, उनके रिपोर्टर से बात करते हुए कहा कि क्लास 10 का जो रिजल्ट है वो 15 जुलाई तक आएगा, जो कि आने वाला था कब, जून के 30 तक आने वाला था। और वहीं जो क्लास 12th का रिजल्ट है वो 31 जुलाई तक, मतलब रिजल्ट आने में अभी टाइम है। तो ये एक प्लस पॉइंट था, हो सकता है बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स के हमारा जो डिमांड है उसके लिए। लेकिन एक बहुत अच्छा अपडेट निकल करके आ रहा है गाइज, अभी मैं आपके साथ वो भी शेयर करना चाहूंगा कि भाई जो ये जो आपका जो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स की मांग है ना, उसमें बहुत सारे न्यूज चैनल्स ने भी सपोर्ट किया है। अब देखिए यहां पे इस पूरे न्यूज को कवर किया है आज तक ने भी, आज तक का न्यूज में भी यहां पे भी ये बात निकल करके सामने आई है कि भाई आखिरकार बच्चों को इस तरह से टॉर्चर क्यों किया जा रहा है। बच्चे जो डिमांड कर रहे हैं वो कहीं से भी गलत नहीं है, ठीक है। और अगर बच्चे ऐसा मांग कर रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, क्योंकि टर्म वन और टर्म टू दोनों का जो मोड ऑफ पैटर्न था, एग्जाम पैटर्न था, वो बिल्कुल अलग था, ठीक है। अब यहां पे अगर ऐसा होता है तो एकेडमियंस का ये कहना है कि भाई ये गलत क्या है। और इसी चीज पे गाइज यहां पे मैं आपको बता दूं कि बहस जो है वो सीबीएसई बोर्ड में भी जारी है। मैंने आपको बताया था कि जो मीटिंग है उस मीटिंग में मतलब प्रिंसिपल्स भी इंक्लूडेड हैं, एक्सपर्ट्स हैं, एकेडमियंस हैं, सीबीएसई ऑफिशियल्स हैं। अब जहां तक एकेडमियंस और एक्सपर्ट्स की बात है, उनके तरफ से तो आप निश्चिंत हो जाओ क्योंकि वो बेस्ट ऑफ आइदर टर्म्स की ही मांग कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बेनिफिट होगा, सबका बेनिफिट होगा, सबका भला होगा, ठीक है। देखिए यहां पे ये मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे बहस चल रही है। एकेडमियंस ने भी कहा कि भाई लगातार सोशल मीडिया पे स्टूडेंट्स जो है ये बात जो उठा रहे हैं, ट्विटर पे अदर कैंपेन्स कर रहे हैं या फिर मेल्स लिखे जा रहे हैं, तो उसमें गलत नहीं है किसी भी हालत में, और सीबीएसई भी इस चीज को मान रही है। लेकिन हो क्या रहा है ना कि एक पार्ट जो है ना वो यहां पे जो सीबीएसई का एक आप कह सकते हैं ये जो ग्रुप है ऑफिशियल्स का या लोगों का, कुछ एकेडमियंस भी उसके अंदर में है, कुछ प्रिंसिपल्स भी उनके अंदर में है, ऑब्वियसली बात है जिनके टर्म वन के अच्छे मार्क्स चले गए अनफेयर मींस यूज होते हुए या जैसे भी, उनको बेनिफिट मिल गया ना, तो वो नहीं चेंज करना चाह रहे हैं। लेकिन यहां पे देखिए बहुत बड़ा सपोर्ट सब तरफ से निकल करके आ रहा है, स्टूडेंट्स लगातार डिमांड कर रहे हैं और ये भी यहां पे बहुत तेजी से मतलब सपोर्ट मिलता जा रहा है। गाइज ये अच्छी अपडेट है हम सभी के लिए, और हमें इस चीज को साफ साफ है कि जो बच्चे कह रहे हैं वो सही है। देखिए यहाँ पे लगातार है, हमें भी हर जगह टैग किया जा रहा है, हर जगह हम भी टैग हो रहे हैं कि भाई ये चैनल भी इस बात को रेस कर रहा है। तो ये तो आप लोगों का प्यार है बच्चों, मैं लगातार कह रहा हूँ कि आप लोगों के सपोर्ट से ही इस बात को रिलीज किया जा सकता है। देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्या क्या चीज़ें भेजी हैं, ठीक है। और एक और बड़ा अपडेट निकल करके आया है, मैं आपको उसको भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो हैं अब वो change.org के जरिए पेटिशन भी, ऑनलाइन पेटिशन भी फाइल कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग भी इसमें करना चाहो तो अपनी बात पहुंचाने की आप ये एक कोशिश कर सकते हो इसे लेकर के, और हम अपने तरफ से काफी जो भी कुछ होगा वो जरूर करेंगे। ट्विटर कैंपेन भी हम शुरू करेंगे, हो सकता है इट माइट बी पॉसिबल कि मैं आज लाइव आऊंगा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि लाइव आऊं या नहीं आऊं, क्योंकि पहले बच्चे बोल देते हैं कि सर आ जाइए, और फिर जब हम लाइव आते हैं तो बहुत थोड़ी सी संख्या में अगर इस टॉपिक पे लाइव हो गए तो आप खुद समझ सकते हो कि हमारी बातें जो है वो कंसर्निंग अथॉरिटीज तक नहीं पहुंच पाएगी। अच्छा, अब यहां पे ये एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं गाइज। मैंने कल आप लोगों से पोल किया था, बहुत सारे बच्चों का कहना था कि सर हमारे लिए स्टडी चैनल के रूप में कुछ चीजें लेकर के आइए। तो गाइज यहां पे देखो ये मैंने आप लोगों के लिए किया था, ये आप लोगों का प्यार है। आप लोगों से मैंने कल दो पोल किया था जिसमें मैंने पूछा था कि जो लाइव लेक्चर्स हैं उनके लिए लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स जो है क्लास 9 to 12, तो आपको क्या स्पेशल एक अलग से चैनल चाहिए। तो बहुत सारे बड़ी संख्या में बच्चों ने इस पोल में पार्टिसिपेट किया और बच्चों ने कहा कि सर न्यू स्टडी चैनल बनना चाहिए, और 82% बच्चे कहने वाले थे कि बनना चाहिए। तो गाइज आज उस चीज का आगाज होने वाला है,
ये हमने दूसरा पोल किया था जिसमें हमने नए सजेशन मांगे थे नए चैनल के नाम के लिए, स्टडी चैनल के नाम के लिए। तो आप लोगों ने बहुत बड़ी संख्या में हमें नाम भी दिया है, थैंक्स फॉर दैट। और आज वो आपके सामने में दिन आएगा जहां से हम क्लासेस जो हैं, जो फ्री ऑफ कॉस्ट एक आप लोगों को एक एक एक्सीलेंट वे ऑफ टीचिंग आपको जो मिले और नोट्स मिले जैसा कि हमने अभी भी दिया था वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्लास 10 वाले बच्चे जो 11 जा रहे हैं, या 11 वाले बच्चे जो 12 जा रहे हैं, या 12 वाले बच्चे जो आगे जा रहे हैं, सबके लिए यहाँ पे चीजें होंगी। तो प्लीज सपोर्ट अस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी बेस्ट ऑफ आदर टर्म्स आपको डिमांड करना है पॉजिटिव में रहते हुए, और कैंपेन हम लोग रन करेंगे, और प्लीज मुझे बताना कि लाइव हम आए या नहीं आए, ठीक है, फॉर दिस रीजन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।